गोवा में मनोहर परिकर के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मनोहर परिकर आज शाम को ही गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके अलावा 16 मार्च को विधानसभा में बहुमत उन्हें साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कांग्रेस की याचिका पर सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार भी लगाई है और कहा कि सरकार पर फैसला लेने का हक राज्यपाल को है और जब परिकर दावा पेश कर रहे थे तो कांग्रेस कहाँ थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शपथ लेने वाले हैं मनोहर परिकर और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के पास अगर नंबर होते तो कांग्रेस ने गवर्नर को अप्रोच होना चाहिए था, पर कांग्रेस गवर्नर के साथ इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कांग्रेस अपने पार्टी के नेता को ही नहीं तय कर पाई। जो पार्टी अपने विधानमंडल गट का नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार तय नहीं कर सकती, वो सरकार क्या स्थापन कर सकती। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना बराबर नहीं है। जो निर्णय हुआ है उसके अंतर्गत राज्यपाल का ये निर्णय कि मुख्यमंत्री घोषित होने के 15 दिन लंबे काल तक वो अपना बहुमत फ्लोर पे नहीं सिद्ध करें, इस बात को उच्चतम न्यायालय ने नकारा और उनको 2 दिन दिए हैं फ्लोर पे संसद में, वहाँ के प्रदेश के संसद में अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए। ये संवैधानिक रूप से मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनके पास 21 नहीं निकले तो माननीय परिकर जी 2 दिन के मुख्यमंत्री रहेंगे।